आ गए फिर से। तो आज गाइस अपन एक और बार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की एक और मितवस्तु वीडियो लेके आ चुके हैं। मिथ नंबर 1, कंस्ट्रक्शन एरिया की लाइट ऑन नहीं होती। ओके, तो वहां जाने से पहले मैं आपको अपनी सिटी की स्ट्रीट लाइट दिखा देता हूँ कि यहाँ की लाइट जलती है कि नहीं जलती। वैसे सबको पता है कि यहाँ की लाइट जलती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा के तो रहूंगा। तो चलो जल्दी से 9 का चीट कोड डाल के नाइट मोड लगाते हैं। और ये देखो गाइस, फाइनली रात हो चुकी है। और जैसे ही अपनी सिटी में रात हो जाती है, स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक जल जाती है। लेकिन मिथ के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कंस्ट्रक्शन एरिया की लाइट जलती है कि नहीं जलती। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक नया RGS टूल फीचर आया ना, जिसमें हम लोग लाइट को भी स्पॉन कर सकते हैं। चलो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको अपना RGS टूल खोलना है, फिर उसमें टाइप करना है P1। P1 मतलब यानी प्रॉप नंबर 1। जैसे ही आप ये टाइप करोगे, आपके सामने स्पॉन हो जाएगी स्ट्रीट लाइट। लेकिन एक सेकंड रुको, ये जो मैंने P1 से स्ट्रीट लाइट स्पॉन की है, ये तो जली नहीं रही है, जबकि जो अपनी सिटी में स्ट्रीट लाइट लगी है वो काफी ग्लो कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने RGS टूल से स्ट्रीट लाइट को स्पॉन किया है, वो काफी कम जल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूज हो चुकी है, पता नहीं क्या माजरा है। लेकिन इसको छोड़ो, चलो अपन लोग जल्दी से चलते हैं कंस्ट्रक्शन एरिया और फिर वहां चल के देखते हैं कि वहां की स्ट्रीट लाइट जलती है कि नहीं जलती है। तो फाइनली मैं अपनी न्यू वाली थार को फुल स्पीड में भगा के कंस्ट्रक्शन एरिया पे तो आ चुका हूँ। लेकिन एक सेकंड रुको, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है भाई? गाइज आप लोग क्लियरली देख सकते हो, जो अपने कंस्ट्रक्शन एरिया में स्ट्रीट लाइट लगी है वो बिल्कुल भी नहीं जल रही है। और ये तो उतनी भी नहीं जल रही जितनी वो RGS टूल से स्ट्रीट लाइट स्पॉन हुई थी ना, ये उससे भी कम जल रही है। मगर आपने नोटिस किया, कंस्ट्रक्शन एरिया की स्ट्रीट लाइट काफी डिफरेंट है। रुको मैं RGS टूल की हेल्प से एक स्ट्रीट लाइट को स्पॉन करता हूँ, फिर आपको डिफरेंस क्लियरली दिख जाएगा। और मेरा शक बिल्कुल सही निकला, कंस्ट्रक्शन एरिया में जो स्ट्रीट लाइट लगी है वो अपनी सिटी की स्ट्रीट लाइट से काफी डिफरेंट है। क्योंकि जो अपने सिटी के खंभे उनमें सिर्फ एक ही तरफ लाइट लगी है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एरिया के खंभे उनमें दो तरफ लाइट लगी है। मगर फायदा क्या है जब जलती नहीं है? तो कंस्ट्रक्शन एरिया की लाइट सचमुच में नहीं जलती है, तो इसका मतलब है ये वाला मिथ हो चुका है कन्फर्म। मिथ नंबर 2, ZX10R को अगर RGB करोगे तो उसके आगे वाले टायर पे A लिखा होगा। यू मीन ABCD वाला A? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, बाइक पे A कैसे लिखा होगा? चलो देखते हैं। इसके लिए अपन को जल्दी से 400 के चीट कोड से ZX10R को स्पॉन करना है और फिर मिथ के अकॉर्डिंग हमें अपनी बाइक को करना RGB कलर। तो ये देखो फाइनली अपनी न्यू मॉडल ZX10R आ चुकी है और ये लिटरली में काफी ज्यादा अमेजिंग है। मगर इसके आगे वाले टायर में मुझे कहीं पर भी A तो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पता जब हम लोग अपनी ZX10R को RGB करे तब A बन के आ जाए। कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम है। तो ये मैंने कर दी अपनी ZX10R को RGB और अब देखते हैं कि इसमें कहां पर A लिखा है, कहां पर लिखा है। मुझे तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। भाई ने तो बोला था कि ZX10R के टायर के ऊपर A लिखा है, लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। लगता है टकले के साथ मजाक हो गया। लेकिन एक सेकंड रुको, मुझे सब समझ आ गया कि तुम्हें A कहां पर दिखाई दिया। रुको मैं पहले बाइक को सही से लगा देता हूं, फिर आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कहां पर A लिखा है। तो हो जाओ तैयार क्योंकि गेमर भैया को A दिख चुका है। तो चलो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि A फॉर एप्पल वाला A कहाँ पर लिखा है। वो देखो गाइस, बाइक के आगे वाले मडगार्ड का डिजाइन कुछ इस तरीके से बन रहा है कि वो A का शेप ले रहा है। वाकई में यार यहाँ पर तो सचमुच में A बन रहा है, वो भी क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पर सचमुच में A तो बन रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला मिथ हो चुका है कन्फर्म। मिथ नंबर 3, NPC के ऊपर कार को स्पॉन करो, फिर देखना NPC मर तो जाएगा लेकिन टकला भी डर जाएगा। प्लीज टेक माय मिथ। कैसे कैसे अजीब से मिथ देते हो तुम लोग मुझे यार, तुम्हें बिल्कुल दया नहीं आती यार किसी भी NPC के ऊपर कार को स्पॉन करना है। बताओ यार NPC की तो बैंड बच जाएगी। लेकिन सच बताऊं मजा तो मुझे भी आता है। तो चलो जल्दी से किसी NPC को ढूंढते हैं, फिर उसके ऊपर कार को स्पॉन करते हैं। और मैं सोच रहा हूं अपनी न्यू वाली निसान GTR कार को स्पॉन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मुन्ना तू तो गया क्योंकि मैं तेरे ऊपर कार को स्पॉन करूंगा। अबे ये गलती मत करना, नहीं मैं तेरी शिकायत थाने में कर दूंगा, थाने में। अबे जा बे, जहाँ पर करना वहाँ पर कर देना। तो ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने इसके ऊपर कार को स्पॉन किया, NPC मर तो गया लेकिन वो थोड़ी देर के लिए गाड़ी के अंदर फंस भी गया था। चलो दोबारा से ट्राई करते हैं और इस बार मैं किसी फीमेल NPC के ऊपर कार को स्पॉन करूंगा। तो चलो सामने मुझे एक फीमेल NPC दिख चुकी है। मैडम आप तो गई, तो चलो जल्दी से इसके ऊपर कार को स्पॉन करते हैं। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ यार, मुझे थोड़ा कैलकुलेशन लगा के बिल्कुल सटीक टाइम पे एक्यूरेट लोकेशन पे कार को स्पॉन करना, तभी वो मिथ होगा। तो चलो एक और बार ट्राई करते हैं, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा, बिल्कुल ध्यान से NPC के ऊपर ही कार को स्पॉन करूंगा। और ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने NPC के ऊपर कार को स्पॉन किया, फीमेल NPC बुरी तरीके से गाड़ी के अंदर फंस चुकी है। और गाइस आप लोग इसके पैर को देखो यार, इसके पैर कितने ज्यादा लंबे हो चुके हैं यार, ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई चुड़ैल बन गई यार। इसके पैर देखो कितने ज्यादा लंबे हैं, भैंस की आंख वाला मिथ तो सचमुच में काफी ज्यादा स्केरी है। लेकिन मैं एक और बार ट्राई करूंगा क्योंकि टकला अभी तक
तक डरा नहीं है, तो चलो एक और बार ट्राई करते हैं। चलो 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 जल्दी से छुपके से इस फीमेल एनपीसी के ऊपर दोबारा से कार को स्पॉन करते हैं। और ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने इसके ऊपर गाड़ी को स्पॉन किया, यहाँ पर तो कुछ खतरनाक ही ग्लिच हो गया। ये देखो यार, एनपीसी बुरी तरीके से गाड़ी के अंदर फंस चुकी है। रुको मैं आपको दिखाता हूँ, भैंस की आंखें तो बुरी तरीके से गाड़ी के अंदर फंस चुकी है। नहीं 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 यार, ये तो कुछ ज्यादा ही स्केरी सीन हो चुका है। क्योंकि आप लोग ध्यान से नोटिस करो, इस फीमेल एनपीसी का फेस कितना ज्यादा लंबा हो गया है। भाई साहब, ये वाला मित्र तो सचमुच में काफी ज्यादा डरावना है। ऐसा लग रहा है कि ये फीमेल एनपीसी नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है चुड़ैल। क्योंकि इसके हाथ पैर तो अलग ही घूम रहे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी है इसकी मुंडी, जो कभी भी लंबी हो जाती है और गोल गोल घूमने लगती है। तो गाइस यार, ये वाला मित्र तो सचमुच में काफी डरावना था। टकले का तो पता नहीं, मैं तो काफी डर गया। तो इसी वजह से ये वाला मित्र तो चुका है कन्फर्म। और हाँ, ये वाला मित्र एक बार में नहीं होगा, आपको काफी बार ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 50, 100, 200 बार ट्राई करो तब जाके हो, क्योंकि मैं भी काफी देर से कोशिश कर रहा था तब जाके फाइनली ये वाला मित्र हुआ, लेकिन हुआ तो है। तो इसी वजह से ये वाला मित्र तो चुका है कन्फर्म। मिथ नंबर 4, 03005 डायल करो, फिर देखना तगड़ा मैजिक होगा। ओके, तो जहां तक मुझे याद है, किसी भी चीट कोड के आगे जीरो लगाते हैं तो उसका मॉन्स्टर वजन आ जाता है, और 3005 तो अपना निसान जीटीआर कार का चीट कोड है। तो क्या सचमुच में निसान जीटीआर का मॉन्स्टर वजन आ चुका है? चलो जल्दी से देखते हैं। और ये मैंने लगाया कॉल, और अपना कॉल हो चुका है एंड। मुझे पता था यार, मुझे पता था ऐसे ही कुछ होगा, क्योंकि अगर निसान जीटीआर का मॉन्स्टर वजन अपने गेम में आया होता तो मुझे तो सबसे पहले पता चल जाता। वही मैं सोचूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि निसान जीटीआर कार का मॉन्स्टर वजन आ गया और गेमर भैया को नहीं पता चला? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों की फीलिंग समझ सकता हूँ। आप लोग भी यही चाहते हो ना कि अपने गेम में निसान जीटीआर कार का मॉन्स्टर वजन आ जाए? तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मॉन्स्टर निसान जीटीआर टाइप करना है, जिससे अपने गेम में जल्दी से जल्दी निसान जीटीआर कार का मॉन्स्टर वजन ऐड हो जाए। लेकिन अभी तो अपने गेम में कोई भी मॉन्स्टर निसान जीटीआर कार नहीं है, तो इसका मतलब है ये वाला मित्र हो चुका है बस्ट। मिथ नंबर 5, बुलेट बाइक चेंज हो गई है, प्लीज टेक माय मिथ। बुलेट बाइक चेंज हो गई है, चलो देखते हैं। इसके लिए अपन को जल्दी से अपने फोन में 9999 का चीट कोड डालना है। और ये देखो गाइस, फाइनली अपनी बुलेट बाइक तो आ चुकी है, लेकिन ये पूरी तरीके से बदल गई है। क्योंकि अपडेट से पहले तो आर्मी कलर की बुलेट बाइक स्पॉन होती थी डिफॉल्ट में, लेकिन अभी तो यहाँ पर ब्लैक कलर की बुलेट बाइक आ गई। अरे यार, ये तो काफी बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि आर्मी कलर की बुलेट बाइक अब मैं कैसे चलाऊंगा, क्योंकि फोन में तो कोई भी आर्मी कलर का ऑप्शन तो है ही नहीं। चलो मैं को सबसे पहले ओल्ड वर्जन में लेके चलता हूँ। तो ये आ चुके हैं अपन लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के ओल्ड वर्जन में। अब आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना कि ये ओल्ड वर्जन है कि नहीं, अभी रुको, थोड़ी देर में हो जाएगा। तो ये देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर 9999 का चीट कोड डाला, यहाँ पर आर्मी कलर की बुलेट बाइक स्पॉन हो गई। अब तो हो गया ना विश्वास कि मैं ओल्ड वर्जन में आ चुका हूँ। तो ये देखो, मैं इस वाले आर्मी कलर की बात कर रहा था यार, इससे अलग ही फीलिंग जुड़ी थी यार, कितना प्यारा कलर था, बुलेट बाइक पे कितना सूट करता था। इसको चेंज नहीं करना था यार, डिफॉल्ट में से इसको चेंज नहीं करना था, क्योंकि अगर किसी को भी ब्लैक कलर की बुलेट चलानी है तो वो तो इजीली फोन से ब्लैक कलर कर सकता था। लेकिन अगर मुझे आर्मी कलर की बुलेट बाइक चलानी है तो मैं अब कैसे करूं, क्योंकि अपने फोन में आर्मी कलर का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मुझे तो काफी बुरा लग रहा है, क्योंकि बुलेट बाइक मुझे आर्मी कलर में ही पसंद थी। आपको कौन से कलर में पसंद थी वो कमेंट करके बताना। लेकिन अपडेट के बाद बुलेट बाइक सचमुच में बदल गई है, तो इसका मतलब है ये वाला मैं तो चुका है कन्फर्म। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, जल्दी से लेटेस्ट मिथ कमेंट करो। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गेमर भी आ चुके हैं।